मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूँ सुखदेव कुमार। आज आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टेंथ क्लास के त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1, जिसमें 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था। आज जो है बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर छः कहता है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, तो मान लीजिए कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये न्यून कोण है, और ये हो गया समकोण है। तो कॉस ए बराबर कॉस ए, तो यहाँ दिया हुआ है कि चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे, सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इस हिसाब से कॉस ए, तो ए थीटा है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार इसमें हो जाएगा, एसी अब बटा कर्ण हो जाएगा एबी। अब बराबर यहाँ पर कॉस बी कह रहा है, तो बी तो थीटा सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो आधार की जरूरत हमको है, तो आधार हो जाएगा बीसी अब बटा कर्ण हो जाएगा एबी। एबी से एबी कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एसी बराबर बीसी। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होने पर संगत कोण भी समान होते हैं, अतः यानी कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि cot थीटा इक्वल टू 7 बटा 8। तो चूंकि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसका है 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8×8=64 हो जाएगा और 7×7=49 हो जाएगा।
नौ चार 13 और 6 4 10 आइए 11 रूट अंडर कितना हो जाएगा। और दूसरा है अब इसमें कि हमको निकालना क्या है वो देखना है। ठीक, कर्ण निकल गया तो अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर एक है कि 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा और इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी गुने ए माइनस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक दूसरी फार्मूला और होता है कि कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो हम ये मान नहीं भी लिखेंगे फिर भी कॉट थीटा का मान यहाँ से रख देंगे कितना 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 अब बटा 8 × 8 = 64। एक आंसर मेरा आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और बटा 8 × 8 = 64। ये आंसर हो गया। तो आपने 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखे हैं। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot A = 4। तो या इसको हम लिख सकते हैं cot A = 4/3 जो होता है आधार बटा लंब। आधार और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो लंब इसका है 3, 3 का स्क्वायर, आधार है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या है 5 होता है। तो 5 मेरा कर्ण निकल गया। अब इसमें क्या क्या यूज हो रहा है सो देखेंगे। अब इसमें हमको टैन निकालना है और साइन कॉस निकालना है। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है पी बाई एच यानी लंब बटा क्या है कर्ण। तो लंब इसका कितना है 3 और कर्ण है 5। अब निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। आधार इसका है 4, कर्ण है 5। अब हम निकालेंगे टैन ए। टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, क्योंकि लंब है 3, आधार है 4। अब जो कह रहा है उसको हम प्रूव करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जांच करना है तो एल एच एस से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है इसमें 1 minus tan square a बटा 1 plus tan square a, क्योंकि 1 का मान 1 होगा। tan का मान यहाँ से ले लेंगे 3/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 का 1 और यहाँ ले लेंगे tan का मान 3/4, इसका होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब हम यहाँ 1/1 minus 3 / 9/4 = 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ लिखेंगे 1/1 plus 3 / 9/16। अब हम आगे आते हैं। आगे है, चलिए इधर नीचा नहीं दिखेगा,
फिर से लिख देते हैं इधर, यहाँ हो जाएगा वन माइनस नौ बटा सोलह बटा एक हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा वन बाई वन प्लस नौ बटा सोलह, ऊपर भिन्न का जोर करते हैं हम, सोलह एलसीएम लघुत्तम हो गया, तो सोलह एकम सोलह अघटे नौ एकम नौ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सोलह प्लस नौ बटा सोलह, सोलह में से नौ घटेगा तो नौ सात सोलह बटे सोलह, और यहाँ हो जाएगा सोलह नौ पच्चीस अबटे सोलह, भाग है या उलट जाएगा सात बटे सोलह, तो ये हो जाएगा सोलह अबटा कितना हो जाएगा पच्चीस, सोलह से सोलह कट गया आ गया सात अबटा पच्चीस। अब हम ये हो गया, अब आरएचएस, अब आरएचएस से भी हम जांच कर देखते हैं, आरएचएस राइट हैंड साइड क्या कहता है इसमें, तो राइट हैंड साइड कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मान है, कॉस का मान है कितना चार बटा पाँच, तो हम लिखेंगे चार बटा पाँच का होल स्क्वायर अघटे ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा तीन बटा पाँच इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा चार चौका सोलह बटा पच्चीस अघटे तीन बटा तीन तिहाई नौ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना नौ बटा पच्चीस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पच्चीस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना सोलह घटे नौ, अब ये आ गया कितना सात बटा पच्चीस। तो चूंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर आठ अब देखें, अब हम तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो tan A इक्वल टू दिया हुआ है वन बाई रूट तीन, तो tan A इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो इस प्रश्न के अनुसार लंब इसमें हो जाएगा एक और आधार हो जाएगा रूट तीन, तो इसके अनुसार हम कर्ण निकाल लेंगे, तो लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर का रूट, लंब है कितना एक, एक स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस रूट तीन का स्क्वायर, रूट तीन का स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक होता है, रूट तीन का स्क्वायर तीन होता है, तो तीन आ एक चार हो गया, चार का वर्गमूल दो आ गया। अब जो कहता है वो हम निकाल लेंगे, अब निकालेंगे अब साइन कह रहा है इसमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है और साइन सी निकालना है, तो साइन ए थीटा कह रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो सूत्र तो वही होता है लंब अब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हम लिख दिए। अब साइन ए कहता है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो ये हो जाएगा बी सी अब बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, तो बी सी है रूट तीन अब कर्ण हो जाएगा ए सी जो दो निकला है, तो ये हो जाएगा दो। अब हम क्या करेंगे, साइन ए निकल गया अब साइन सी निकालेंगे, साइन सी बराबर सूत्र तो वही लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लेकिन सी इसमें थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है भुजा, तो ये हो जाएगा ए बी अब बटा कर्ण वही हो जाएगा ए सी यानी एक बटा दो हो जाएगा, तो ये निकल गया साइन ए और साइन सी। अब निकालेंगे हम कॉस ए और कॉस सी, कॉस ए तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, क्योंकि हम जानते हैं कि ए कह रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा क्या ए बी, ए बी या कर्ण वही हो जाएगा ए सी, तो यहाँ हो जाएगा एक का बटा दो। अब हम निकालेंगे कॉस सी, कॉस सी तो सी थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो इसमें आधार हो जाएगा आधार अब बटा कर्ण, तो आधार हम जान रहे हैं थीटा के सामने वाला लंब है, तो आधार हो जाएगा बी सी अब बटा ये हो जाएगा ए सी, बी सी है रूट तीन अब बटा है ये दो,
अब जो कहता है वो मान निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर एक कहता है, क्वेश्चन नंबर एक में कहता है कि साइन ए, साइन ए अप इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी कहता है निकालें। तो साइन ए का मान हम रख देंगे रूट तीन बाई दू, अगुने कॉस सी का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा रूट तीन बाई दू, अब प्लस कॉस ए का मान रखेंगे वन बाई टू, और इंटू साइन सी का मान रखेंगे वन बाई टू। अब क्या करेंगे, रूट तीन में रूट तीन से गुना करेंगे तो तीन अब बटा नीचा हो जाएगा चार, अब प्लस एक अब बटा चार, यहाँ चार लघुत्तम हो गया तो यहाँ हो जाएगा तीन प्लस वन यानी चार अब बटा चार कट के एक हो गया, एक आंसर निकल गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कॉस ए कॉस सी निकालना है, कॉस ए इंटू कॉस सी घटे साइन ए इंटू साइन, साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे वन बाई टू, अगुने कॉस सी का मान रखेंगे रूट थ्री बाई टू माइनस, यहाँ पर साइन ए का मान रखेंगे रूट थ्री बाई टू, और गुने साइन सी का मान रखेंगे वन बाई टू, ऊपर हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर, ये भी हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर, दोनों घट के हो गया जीरो। तो ये आपका नौवां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए इस प्रश्न दसवां नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है, और इसमें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है यानी चूंकि इसमें है पी आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो इससे हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 घटे क्यू आर, और प्रश्न से यानी पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, चूँकि कर्ण है पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी आर को हम लिख सकते हैं 25 घटे क्यू आर इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25 पी क्यू है 5 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू गुने ए और गुने बी हो जाएगा क्यू आर अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुने 25 625 आई 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 या माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 और 625 को इधर जाएंगे माइनस 625 हो जाएगा, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस हो जाएगा 600, ये कट गया, या क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 600 अब बटा 50 इससे कट गया 5 से हो जाएगा 12 यानी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12। अब चूँकि हम जानते हैं कि पी आर बराबर, यहाँ लिखेंगे चूँकि पी आर बराबर है 25 घटे क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा 25 घटे क्यू आर का मान है 12 तो ये हो जाएगा 13 यानी पी आर इक्वल टू भी हो गया 13, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 13। अब जो पूछता है वो निकाल देंगे। अब इसमें क्या कहता है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे,
साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका है, लंब है 5, कर्ण है 13, एक आंसर हो गया। अब लिखेंगे कॉस पी, कॉस पी बराबर है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका निकला है 12 बटा कर्ण हो जाएगा 13। अब निकालना है टैन पी, टैन पी इसमें क्या कहता है, साइन पी निकालना है, लंब हो जाएगा, यहाँ गलत कुछ हो गया है, सही कर रहा है इसको, तो साइन पी कर रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, साइन पी इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसका क्या, क्यू आर, बटा कर्ण हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर हो जाएगा 12, आई हो जाएगा बटा 13। अब हम निकालेंगे कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी में आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा इसमें आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा पी कहता है, तो लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर, तो ये हो जाएगा 5 बटा 13। अब निकालेंगे टैन पी, टैन पी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसका हो जाएगा कितना, क्यू आर, क्यू आर, आधार हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 12, अब बटा आधार है 5, यही आंसर हो गया। तो इस चैप्टर में आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे देख लिए, और अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।